So yo, what is up YouTube? Welcome back to my channel. In this video, I am going to make a channel art from PixArt. So if you wanted to create a channel banner, watch till the end. तो ये वीडियो मैंने कल अपलोड करनी थी मगर एडिटिंग इश्यूज की वजह से नहीं कर पाया, एडिटिंग मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं चला गया था कहीं। तो आज देख लो और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो पहले आपने PixArt खोल लेना है और ये PNG बैकग्राउंड खोल लेना है, फिर टेक्स्ट पे जाके कैप्स लॉक ऑन करके इंस्टाग्राम और फेसबुक को स्पेस में लिख देना है और इसको बड़ा करके टिक पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ये बैनर मिलेगा, इसको लेके आपने जाना है टूल वाले ऑप्शन पे, एडजस्ट में जाके -40 पे इसकी ब्राइटनेस कर देनी है और फिर आपने जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में ये लोगो आपका जो होगा, लोगो के लिए 2-3 दिन तक वीडियो आ जाएगी। तो फिर ये लोगो के बाद आपको एक नीचे ब्लैक बैकग्राउंड मिलेगा, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको करके आपने ऊपर जो दो लेयर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके मूव डाउन कर देना है और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देनी है, 32 रखी है मैंने। फिर आपने जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का किया था वो लेना है और उसको डुप्लीकेट कर लेना है और फिर इनको क्रॉप करके इनको सेट कर लेना है जगह पे जहाँ पर जैसे, और सेम साइज के दोनों हो और सेम स्पेस में हो लोगों से। और फिर यहाँ पर नीचे एक आपको मैंने दिया होगा ये ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का, इसका भी आपने डुप्लीकेट ले लेना है। ये ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे जाके डुप्लीकेट दबाना है और जिसने ट्विटर करना हो वो ट्विटर भी टाइप कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ। यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो को मैंने क्रॉप कर लिया है और यहाँ पे फेसबुक का लोगो हमारा थोड़ी अगड़ बगड़ हो गई थी भाई, तो ना ख़राब हो गया था। तो ये जो अब ऊपर हमने डुप्लीकेट लिया हुआ है इसमें से हमने कर लेना है फेसबुक के लोगों को क्रॉप। ये मैं कर दिया है फेसबुक के लोगों को क्रॉप। तो यहाँ पे अब इनको सेट कर देना है जितने बड़ा वो लिखा है ना टेक्स्ट उतना ही और थोड़ा स्पेस में। अब ये देखें इंस्टाग्राम कितना अच्छा लग रहा है और ये फेसबुक भी ऐसे ही सेम करना है थोड़ा इसको। हाँ मैंने सेट कर दिया है। फिर आपने ऐड फोटो पे जाके यहाँ पर आपको एक फायर पार्टिकल्स की PNG मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन सबका। तो जाके फिर आपने इसकी ब्लेंडिंग पे जाके इसको लाइटन में करके ओपेसिटी को कम कर देना है और इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ साइड से कर लेना है। साइज़ आपने इतना रखना है और 80% हार्डनेस रखनी है साइज साइड वाली लाइंस के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी तो दोबारा करता हूँ। वही लाइटन में जाके इसकी नीचे से इसको कर पहले नहीं आपने ओपेसिटी और हार्डनेस छेड़नी, जब साइडों की लाइंस कट करनी है तब छेड़नी है। फिर टिक करके आपने फिर जाना है ड्रॉ टूल पे जाकर आपने यहाँ पर ये थ्री लेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर ये प्लस के ऑप्शन पे जाकर फोटो लेयर में जाके ये एक PNG मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इसको भी डाउनलोड कर लेना। सारा कुछ आपको उधर शो होगा, आप उसमें डाउनलोड कर लेना सारा कुछ ही। फिर आपने जाना है इसके शेप वाले ऑप्शन में फिल करके यहाँ कलर वाले ऑप्शन में जाके जैसा बैकग्राउंड होगा वो वाला कलर का ले लेना है। फिर इसका आपने ऐसे बना के इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब आपने वही थ्री लेयर्स वाले ऑप्शन पे लेफ्ट हैंड साइड के जो सेकंड ऑप्शन है 3 डॉट्स के नीचे, वहाँ जाके आपने जो येलो वाला बनाया उसको सेम कॉपी करके तो उसको फिर आपने अब कर देना है ट्रांसफॉर्म। तो आपने मिरर करके ये फ्लिप का पहले 3rd वाला ऑप्शन करना है फिर 4th वाला ऑप्शन करके, तो आपका ये देखें कितनी ही जल्दी हमारा हो गया है ये काम। फिर हमने जाना है शेप्स पे जाएंगे फिर हम, तो जाके सेम वैसे ही रखना है सारा। कलर्स में जाके वाइट ले लेना है, वाइट कलर लेते ही आपने सेम वैसा ही एक करना है ड्रॉ, जैसे स्क्वेयर ड्रॉ करना है यार, एक वो कर लेना। ये एक स्क्वेयर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये देखना अब मैं स्क्वेयर ड्रॉ करता हूँ। पहले एम्प्टी लेयर एक ले लेना 3 लेयर्स पे जाके सेकंड ऑप्शन पे लेफ्ट हैंड साइड पे
जाके एम्प्टी लेयर लेके आपने एक ये करना है, फिर उसको वो आपका शो हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ये आपका नीचे चला जाएगा, तो ये आपके ये ब्लैक वाले से नीचे चला जाएगा, क्या नाम होता है, वाइट वाला, तो आपने सबसे नीचे ले जाना है, दो जो येलो हैं उनसे नीचे ले जाना ताकि आपका ये ऐसे सेम रहे। तो इसको आप सेट कर लीजिएगा, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और यहाँ पर आपने सेम इसी का फिर कॉपी करना है जैसे हमने येलो वाले का किया था, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके थर्ड ऑप्शन पे करके फोर्थ ऑप्शन कर लेना है और टिक कर देना है, और फिर थ्री लेयर्स पे जाके उसको भी ड्रैग करके वाइट वाले को वाइट वाले के साथ ही अटैच करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी जो आपको भी आएगी और मुझे भी आई है, तो यही मैं समझाने लगा हूँ कि जो इंस्टाग्राम का लोगो है ये कट रहा है इससे, तो इसको हम कर देंगे जी थोड़ा क्या नाम होता है बैक कर देंगे, बैक करके हम फिर थ्री लेयर्स पे जाएंगे। थ्री लेयर्स पे जाके हमने उसी को नीचे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको हमने खुद करके कर लेना है ड्रैग, ताकि वो कटे मत, इंस्टाग्राम का लोगो जो है और टेक्स्ट जो है वो कटे मत। तो यहाँ कर लेंगे हम ये एडजस्ट करके, फिर थ्री लेयर्स पे जाके उसको नीचे ले जाना है। नीचे लेके जाके आपने बस आपका हो गया है जी चैनल बैनर सेट, तो यहाँ पर आपने सेव कर लेना है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए हो तो ड्रॉ टूल पर जाकर आप इरेज वाले ऑप्शन पर जाएं और ऐड फोटो कर लें, यही क्या नाम होता है फायर पार्टिकल्स के जो पीएनजी है वो ऐड फोटो कर लें, और उसको आपने ओपेसिटी जो है वो कम कर दें थोड़ी, ताकि अभी मैंने कम नहीं की, लेकिन पहले आप इरेज भी कर सकते हैं लेकिन ओपेसिटी भी कम कर लें। और बस फिर आपने इसको इरेज करके जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, तो इसकी थोड़ी फिनिशिंग 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 फंक्शिंग कर लेनी है, तो ये आप कर लेंगे जब तो आपकी आपका चैनल बैनर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिनिशिंग कर लेता हूँ, ज़रा 2 मिनट मुझे बचते हैं। तो जी मैं यहाँ पर आपने लोगों के ऊपर से भी इरेज कर लेना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी ऊपर से इरेज करके वहीं पर सेट करके फिर इरेज वाले ऑप्शन पर जाकर, तो मैं इसको कर लूँ ज़रा फिनिशिंग। तो जी हमारा यहाँ पर ये बन चुका है, यहाँ पर ये हमारी तैयार हो गई है बैनर, तो आपने इसको सेव कर लेना है और फिर मैं आपको मिलता हूँ सेव करके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।